मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, तो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज, प्लीज मत, शेखर, 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 छोड़ दो, मैं शेखर, शेखर, नहीं, 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 नहीं मुझे मत मारो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो, छोड़ दो भगवान के लिए, नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, छोड़ दो, नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, नहीं, नहीं सुनीता। हेलो 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 कुणाल, क्या बात है जानेमन, मैं शहर से दूर गया नहीं और तू मुझे मिस करने लग गई, और वो भी आधी रात को। लगता है मामला बहुत सीरियस है। हम कुणाल, कुणाल सुनो, सॉरी मैंने तुम्हें इतनी लेट फोन किया, तुम्हें नींद से जगा दिया। हमारे घर के बाजू वाले घर से मुझे चीखें सुनाई दी कुणाल। कैसी आवाज है? जब कोई मरता है ना तो आवाज जैसे निकलती है वैसी वाली चीखें। एक काम करो, तुम फौरन पुलिस को फोन करो। नहीं कुणाल, उसमें बहुत देर हो जाएगी पुलिस को यहाँ आते आते, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सुनीता मेरी बात सुनो, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, सुन रही हो ना, प्लीज। पर वहां कुछ हो गया तो? अरे वो सब पुलिस को देखने दो, तुम यार मत पड़ो इन सब में, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। नहीं कुणाल, मुझे मुझे जाना पड़ेगा, I'm really sorry। सुनीता मेरी बात, हेलो हेलो, कैसी जिद्दी है यार ये। हेलो, कोई है? कोई है? हेलो, अरे हेलो, कोई हेलो, पति पत्नी के बीच कोई प्रॉब्लम थी, झगड़ा वगैरह? सर मुझे
इतना सब कुछ नहीं पता क्योंकि उन लोगों को शिफ्ट होकर 10-12 दिन ही हुए थे। हाँ, बीच बीच में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी, मगर इतना सब कुछ हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। देखिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में अभी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मेरे खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि ये सुसाइड केस है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, चलिए देखते हैं आगे, शायद कुछ पता चले। बेचारी ये बच्ची अकेली रह गई, अनाथ, इसका कोई करीबी भी नहीं है जिससे इसको उसके पास भेज दें। तो फिर इसका क्या होगा सर? इसको चिल्ड्रेन होम भेजेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वहां भी 2-3 दिन तक जगह नहीं है, जगह की प्रॉब्लम है, तब तक देखते हैं। सर, आपको एतराज ना हो तो मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे ले जा सकती हैं। इसको वैसे भी बहुत गहरा सदमा लगा हुआ है, इसको सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन चिल्ड्रन वेलफेयर वाले इसको लेने आए तो आप इसे दे दीजिएगा। जी सर। हेलो, मेरा नाम सुनीता है, आपका नाम क्या है? मेरी दोस्त बनोगी? मेरे साथ मेरे घर चलोगे? ये देखिए कशिश, ये रहा आपका कमरा। ये किसका कमरा है आंटी? ये कमरा बेटा, भगवान जी ने ना मेरे पास एक एंजल भेजा था, वो एंजल मुझसे बहुत प्यार करता था, फिर भगवान जी को उस एंजल की बहुत याद आने लग गई, तो उन्होंने उस एंजल को अपने पास बुला लिया स्वर्ग में। मेरे मम्मी पापा भी वही होंगे ना? हाँ बच्चे, वही होंगे। कशिश, ये गुलाब जामुन आपको मीठा पसंद है? कशिश, आपकी डॉल तो बहुत ही क्यूट है। बेटा, मैं सोने जा रही हूँ, अगर रात को आपको डर लगे ना तो मेरा कमरा ऊपर ही है, आप आ जाना, ठीक है? गुड नाइट। कशिश, 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 बेटा कहाँ हो? कशिश, ये लड़की, कशिश, 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 कशिश बेटा कहाँ हो आप? कशिश, कशिश, ऐसा नहीं करते बेटा, बाहर आ जाओ। कशिश, कशिश,
कशिश, बेटा अब यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना यहाँ नहीं आना, ये जगह ठीक नहीं है। अब चलो चलो जल्दी चलो। क्या हुआ कशिश, क्या देख रहे हो? कोई भी तो नहीं है वहां पर। चलो बच्चे चलो। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि कोई बड़ा कांड होने वाला है इनके यहाँ। मिसेस गुप्ता प्लीज। और क्या, हर दूसरे दिन शोर शराबा, पता नहीं क्या क्या होता रहता था अंदर। ऐसे लोग अक्सर खुदकुशी करते हैं। मिसेस गुप्ता प्लीज, बच्ची आपको सुन सकती है। अरे कुछ नहीं होता, वो भी इनके जैसी ही है, अजीब। तेरे मम्मी पापा ने खुद को मार दिया था, पता है क्यों? वो तो जब बोर हो गए थे, बोरिंग। चिंटू, ये आप क्या कह रहे हैं? सॉरी बोलिए अभी। गुप्ता प्लीज समझाइए अपने बेटे को। हाँ समझा दूंगी, वैसे भी अब हम निकल रहे, रात को पार्टी में जाना है, तैयार भी तो होना है। चलो चिंटू। कशिश, मेरा बेटा चिंटू। कशिश बेटा, ये आप क्या देख रही है? ये बच्चों की देखने की चीज नहीं है, जाइए अपने कमरे में। मुझे देखने दीजिए आंटी। नहीं बेटा, ये बच्चों के देखने की चीज नहीं है, सुनिए मेरी बात, जाइए। नहीं चिंटू। पीछे से आकर कोई पकड़ता है क्या? मैं डर गई ना। I'm really sorry, मुझे नहीं पता था बाबा तुम इतना डर जाओगी। वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पूना में होना चाहिए ना, तुम्हारी कॉन्फ्रेंस थी राइट? मुझे चिंटू के बारे में पता लगा, रवि का फोन आया था, उसने बताया, और फिर मुझे लगा कि तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए।
इतने हादसे हो गए दो दिनों में, और तुम भी अनइजी फील कर रही होगी ना। That's so sweet of you. लेकिन कुणाल, इस तरह तुम्हें काम छोड़कर नहीं आना चाहिए। नहीं, वो सब मैटर नहीं करता है, सिर्फ तुम मैटर करती हो। अरे क्या कर रहे हो, ये सब कुछ घर पे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी है। किसकी? अब वो नेबर है ना, उनकी बेटी। और वो यहाँ क्या कर रही है? बताती हूँ, सब बताती हूँ, पर यहाँ नहीं, ऊपर चल गई। पहले चलो मैं बताती हूँ, चलो तो चलो ना। कुणाल, कुणाल मैं दुकान जा रही हूँ, सारा सामान खत्म हो गया घर का। अच्छा सुनो, तुम्हें कुछ चाहिए तो अभी बता दो, फोन करके एक एक चीज प्लीज मत बोलो मुझे। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पक्का? यस। ओके। आंटी भूख लगी है। कुणाल तुम कुकीज और दूध दे दोगे? मैं दे दूंगा, आप चलिए। ओके बाय। बाय बाय, आ जाओ बेटा। Cookies and milk, cookies and milk. Cookies, 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 cookies. Ah. ये लो। अंकल, दूध में थोड़ा चॉकलेट सिरप डाल के दीजिए। चॉकलेट सिरप है? ओके। अंकल और बस बेटा, बच्चे इतना मीठा नहीं खाते। पर अंकल। बेटा ये छोड़ो, ये लो, एक कुकीज खा के देखो कितने टेस्टी। बोला ना दे। देखो कशिश, अगर तुम्हें दूध पीना है तो ऐसे ही पीना होगा, ओके? अब चुपचाप इसे फिनिश करो। तुम्हें कशिश के एकदम नॉर्मल लगती है क्या? हाँ क्यों? क्या कभी उसने तुम्हारे साथ कुछ अजीब तरीके से बिहेव किया? नहीं, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, जब तुम आज मार्केट गई थी तो मैं उसे दूध में चॉकलेट सिर्फ डाल के दे रहा था। उसने एक दो बार बोला थोड़ा और डाल दो, तुमने डाल दिया। तीसरी बार मैंने मना कर दिया और उसके बाद वो अजीब तरीके से चिल्लाई मेरे पे और बहुत अजीब था। कुणाल बच्ची है, वो बच्चे ऐसा ही करते हैं। अरे जैसे बड़ी हो जाएगी सीख जाएगी, और वैसे भी तुमने उसे डांट दिया ना तो अगली बार नहीं करेगी, दैट्स इट। नहीं सुनीता, उस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कम ऑन कुणाल, ऑब्वियसली वो ठीक नहीं है। तुम्ही ने तो कहा था कि वो इतने बड़े सदमे से गुजरी है, उसे वक्त लगेगा। आई थिंक यू ओवरथिंकिंग कुणाल, सोचो। Thank you.
कशिश, कशिश, कशिश बेटा कहाँ हो आप? कशिश, ऐसा नहीं करते बेटा, बाहर आ जाओ। कशिश, कशिश। मम्मा। वरुण। मम्मा, कशिश बेटा, मैं आज से आपकी मम्मी ही हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करूंगी। सुनीता, क्या हुआ? अरे वो क्या, कुछ नहीं। मैं कशिश को सुलाकर आती हूँ। सर, मुझे वो बच्ची कशिश है ना, उसके बारे में कुछ पता लगाना था। क्या आपको उससे बात करके कुछ ऐसा लगा कि उसके साथ कुछ नॉर्मल नहीं है? क्यों, वो ठीक है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, खुश है हमारे साथ। दरअसल क्या कि मैं उसके हालात के बारे में कुछ और जानना चाहता था, ताकि हम उसे अच्छी तरह से हैंडल कर सके। उसने आपको अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ तो बताया होगा ना? वो बच्ची अनाथ थी, उन लोगों ने उसको गोद लिया था। वो उसके असली माँ बाप नहीं थे? नहीं, वो उसके असली माँ बाप नहीं थे। उसको उन लोगों ने अनाथ आश्रम से अभी कुछ हफ्ते पहले ही लिया था। तो आपने ये बात मेरी वाइफ को पहले क्यों नहीं बताई? अरे तो आप बता देना, क्या फर्क पड़ता है इसमें? ठीक है, एक मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे, मुझे आप वो अनाथ आश्रम का एड्रेस दे देंगे? मैं उस बच्ची के बारे में कुछ और जानना चाहता हूँ, प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। ए राणे, वो फाइल में एड्रेस होगा, सर को दे जरा। एक काम करिए, आप ही देख लीजिए जाके।
थैंक यू भाई। भाई ये क्या लगा दिया आपने? ये बच्चों के देखने की चीज नहीं है बेटा, आप बड़े हो जाओगे फिर देख लेना। पर मुझे वही देखना है। नहीं बेटा, ये अच्छी चीजें नहीं है। कशिश, मैं बैंक जाकर आती हूँ, आप यहाँ बैठकर टीवी देखना। हाँ रुक जाओ बेटा, मैं बस यू गई और यू आई। मुझे एक लड़की के बारे में कुछ पता लगाना है। कुछ दिन पहले एक कपल उसे अडॉप्ट करके लेके गया था, उसका नाम कशिश है। क्यों जानना चाहते हैं आप उसके बारे में? दरअसल उस कपल ने सुसाइड कर लिया और हम उसके पड़ोसी थे, इसलिए कशिश इस वक्त हमारे घर पर है। अब मेरी वाइफ चाह रही है कि हम उसे गोद लें। कुछ अलग है उस लड़की में, कुछ ठीक नहीं है, कुछ अजीब सा है उसमें। मतलब क्या? मतलब उसके आसपास रहने वाले लोगों के साथ हमेशा कोई ना कोई हादसा होता ही रहा है। लेकिन आप ये कैसे कह सकती कि उन हादसों के पीछे उस लड़की का हाथ था? उसकी आंखों में दिखता था अजीब सा पागलपन। अब मुझे इसके बारे में और कोई बात नहीं करनी है, प्लीज आप जाइए यहाँ से। देखिए प्लीज, अगर आप उसका कोई पता मुझे दे देंगी तो मैं उसके असली माँ बाप के बारे में पता लगा पाऊंगा। यू नो, कौन थे, कौन है वो? उन लोगों ने भी अपनी जान ले ली थी। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप मुझे पता दे दीजिए प्लीज। अब वहां कोई नहीं रहता और शायद आपको वहां सिर्फ अंधेरा ही मिले। हो सकता है कुछ उस लड़की के बारे में सुराग मिल जाए, प्लीज तो हेल्प हो जाएगी मेरी प्लीज। ठीक है, मैं देती हूँ आपको, पर प्लीज संभल के रहिएगा। जी? मैं आशा तिवारी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से, आपसे बात करनी है जरा। आइए। मुझे नहीं लगता कि आपको बच्चे संभालने का ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें नहीं देखे तो अच्छा रहेगा। आप कुछ कह रही थी ना वहां पे? मैं कशिश को चिल्ड्रन होम ले जाने आई हूँ। मगर क्यों? वो यहाँ हमारे साथ रह रही है ना, खुश भी है। देखिए, ये बच्ची बगल में रहती थी जहाँ इसने दो मौतें देखी हैं।
अगर वो इस घर को देखेगी तो इसके लिए ठीक नहीं रहेगा, और इतने पास उस घर के, इसके लिए सदमे से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मगर हम इसे अडॉप्ट करने की सोच रहे थे। मुझे ऊपर से ऑर्डर्स है कि मुझे इसे ले जाना है। अगर आपको इसकी कस्टडी चाहिए तो कमिटी ऑफिस जाकर बात कीजिए। चलो बच्चा। बच्चा मुझे नहीं जाना। अरे हम आपको बहुत सारे बच्चों से मिलवाएंगे, आपको वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आइए आइए, चलो। अरे क्या कर रही है आप, ऐसे बच्ची को क्यों लेकर जा रही है? तितलियां बहुत पसंद थी उसे, कहती थी एक दिन उसके भी रंग बिरंगे पंख होंगे और वो उड़ती चली जाएगी। मेरी कशिश जब हंसती थी तो लगता था जैसे यही हंसी सुनने के लिए जी रहा हूं, और एक दिन उसकी वो हंसी सूखे हुए पत्तों की तरह बिखर गई। डॉक्टर ने उम्मीद रखने से भी मना कर दिया, लास्ट स्टेज कैंसर था। अपने बच्चे की जिंदगी का सवाल हो तो उम्मीद कभी नहीं मरती, बल्कि कभी कभी पागलपन की शक्ल ले लेती है। डॉक्टर के मुंह मोड़ लेने के बाद वंदना ने फैसला किया कि अब वो जादू टोने का सहारा लेगी। तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, पर मुझे काली शक्तियों की मदद लेनी पड़ेगी। किसी बुरी प्रेत आत्मा को बुलाकर कशिश की बीमारियों को साफ कराना होगा, और ये कराते वक्त कुछ भी हो सकता है। यह एक खतरनाक विधि है। जो भी होगा हम देख लेंगे, प्लीज मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, ओम ह्रीम क्लीम ह्रीम चामुंडाय विच्छे। तू मेरा गुलाम है, जो मैं कहूंगा तू करेगा। बच्ची की बीमारियों को ले जा, ले जा।
उस बुरी प्रेतात्मा ने कशिश की बीमारी दूर तो कर दी, पर बदले में उसका शरीर कब्जे में ले लिया था। सब कुछ खत्म हो चुका था। कशिश अब कभी लौट कर नहीं आएगी। बस अब इंतजार कर रहा था अपनी मौत का। जानता था कि अगली बारी मेरी है, पर जाने से पहले ये सच्चाई लिख कर जा रहा हूं ताकि हमसे हुई ये गलती कम से कम इन पन्नों में दर्ज होकर रह जाए। उसके असली माँ बाप नहीं थे, उसको उन लोगों ने अनाथ आश्रम से अभी कुछ हफ्ते पहले ही लिया था। अलग है उस लड़की में, कुछ ठीक नहीं है। उसके आसपास रहने वाले लोगों के साथ हमेशा कोई ना कोई हादसा होता ही रहा है। सुनीता, कशिश, सुनीता कुछ कर दे। सुनीता, 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 रुक जाओ कशिश, कशिश रुक जाओ। तुम कुणाल, 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 कशिश रुक जाओ, तुम कशिश रुक जाओ, नहीं तो रुक जाओ कशिश, मैं तुम्हें मार दूंगा। Ha ha ha!
सर सभी लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस यही कहता है। पता है तुमको? क्या सर? कि ये एक्सीडेंट का केस है और सारे सबूत भी यही कह रहे हैं। पर एक साथ एक ही घर में तीन तीन मौतों का होना, ये कुछ अजीब सा नहीं है? वो तो है सर। कोई सस्पेक्ट भी तो नहीं है, ये एक्सीडेंट ही है। तू एक काम कर, रिपोर्ट लिख और इस बच्ची को चिल्ड्रन होम भेजवा। चल यस सर। ठीक है। आपने जिस बच्ची को सिलेक्ट किया था वो यही है? कम। हाय बेटा। बेटा क्या आप हमारे साथ हमारे घर चलोगे?